देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है ये एक बसता हुआ शहर है। नोएडा प्राधिकरण अपने आप को स्वच्छता के मामले में हर वर्ष ये नंबर वन और नंबर दो की लड़ाई में प्रदेश स्तर पे दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन तस्वीर अगर गांव जो नोएडा के गांव हैं उन गांवों की अगर हम लोग देखें, मैंने कई बार ट्वीट किया है, मैंने कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ महोदय से शिकायत की है कि उन गांवों में जो सड़कों के किनारे बसे हुए लोग हैं उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं की गई है। वो लोग खुले में जो है टॉयलेट जाते हैं और यहाँ तक कि कई बार तो दिन के उजाले में भी शौच करते हुए लोगों ने देखा है। तो जो ये सिर्फ शहर के अगल बगल टॉयलेट बना दिए हैं और सिर्फ नोएडा की जो मेट्रो लाइन है उसको बढ़िया तरीके से पेंट कर दिया गया है, बाकी स्वच्छता की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के गांवों की हालात बहुत बेकार है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अब से 10 वर्ष पूर्व जो टॉयलेट बनाए थे उन अधिकतर टॉयलेटों पर ताले लगे हुए हैं। उनमें जो करोड़ों रुपये खर्च किए गए, उस करोड़ों रुपए खर्च जो है वो सब पानी की तरह बहाया गया, उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। और बहुत सारे टॉयलेट अभी नए बने हैं उनमें तो कुछ व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं वो सब बंद पड़े हैं। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की घोर लापरवाही है।